सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी माता रानी महामाया थी। वह एक सुंदर महल में रहते थे, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थे। वह प्रतिदिन बगीचे में जाते थे और वहाँ घंटों बैठा करते थे। उन्होंने वहाँ सुंदर वृक्ष, फूल, पक्षियों और तितलियों को देखा और चिड़ियों के गीत का आनंद लिया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लिया। वह पक्षियों, कीड़े मकौड़ों, जानवरों और मनुष्यों के प्रति बहुत दयालु थे और उन्हें प्यार भी करते थे। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, लेकिन वह बहुत घमंडी और क्रूर थे। वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में टहल रहे थे। देवदत्त अपने साथ तीर और धनुष भी लिए हुए थे। अचानक देवदत्त ने उड़ता हुआ एक हंस देखा और उस पर तीर चला दिया। उसकी तीर से हंस नीचे आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने तीर को बाहर खींचा और घाव को साफ किया। उन्होंने उसे पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त तीर और धनुष के साथ सिद्धार्थ के पास आए। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ के गोद में देखा। देवदत्त ने कहा, वह हंस मुझे दे दो, मैंने उस पर तीर चलाया है, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, तुमने इस प्यारे पक्षी पर तीर चलाया है, तुम बहुत क्रूर हो, तुम्हें पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। देवदत्त ने कहा, नहीं, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसे बचाया है, यह हंस मेरा है। देवदत्त ने कहा, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, अब वह ही निर्णय लेंगे। सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। राजा ने उन दोनों की बात सुनी और अपना निर्णय सुनाया। राजा ने कहा, देवदत्त, तुमने इस पक्षी को मारा है, इसलिए यह पक्षी तुम्हारा नहीं है, यह पक्षी तो सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने इसकी जान बचाई। तो बच्चों, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है।